दीपक डोंगरे रायपुर नाका दुर्ग। गुरुजी प्रणाम। आपकी आवाज से बताते हैं जी, आवाज से बताते हैं जी। 2019 जी से 2021 जी के बीच आप बहुत ज्यादा परेशान थे। हाँ परेशान था ना सर। ठीक है जी। उस समय आपके काम बिगड़ रहे थे जी, कर्ज हो रहा था जी, हुए तनाव बढ़ रहा था जी है, और उसी समय आपका वजन भी बढ़ा है जी। ठीक है जी सर। आपकी आवाज बताती है जी, यहाँ छाती में जी आपको तिल मसे दाग का निशान है। मसा है सर छाती में। मसा है जी सर। समझ बोले सही है जी है। ये आपकी आवाज बताती है जी कि यहाँ तिल मसे दाग का निशान है जी, है ना। ठीक है जी। आपके कोई छोटे भाई हो, इनकी तरफ से आपको चिंता रहती है जी? चिंता तो है सर, छोटे भाई की तरफ से ही चिंता है, उन्हीं के साथ रहता हूँ मैं। सही बात है जी सर, सारी बातें सही हैं जी, आवाज से जो बताया सब सही है जी। ठीक। क्या जानना चाहते हैं? सर मैं 12 साल का था तब से मेरे जॉइंट बैक पेन में बहुत दर्द है, जिसके कारण पूरे शरीर में प्रॉब्लम रहता है। करीब मेरे को 15-16 साल हो गए इस दर्द से। आपको जॉइंट की प्रॉब्लम दूसरे ढंग की है, आपको गठिया बात की शिकायत। ये डॉक्टर ने बताया था सर, बताया था। क्या बताया? ये गठिया बात प्रॉब्लम है करके। हम बोल रहे हैं जी गठिया बात जी, जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जॉइंट की प्रॉब्लम अलग है, गठिया बात अलग है। ठीक है जी। तो आप ऐसा करें जी, हमको जो दिख रहा है जी, एक खिड़की दिख रही है, फिर वही बात जी, खिड़की में कोई एग्जास्ट लगा है। वो राइट साइड में है सर, राइट साइड में लगा है। अरे अब हम कुंडली तो देखा ही नहीं रहे जी। हाँ। अब हम तो खिड़की देख रहा है जी, खिड़की में एग्जास्ट है जी, एग्जास्ट के पास कोई पक्षियों की आवाज आती है क्या? उस खिड़की से आती है ना सर आवाज आती है जी। उस खिड़की को बंद कर दो, कमर की समस्या बंद हो जाएगी। जो एग्जास्ट, जैसे मान लो ये खिड़की है जी जी जी, खिड़की में एग्जास्ट लगा है जी जी जी, वहाँ से पक्षी की आवाज आती, पक्षियों की जी आती है जी, आती है, वो बंद कर दो, वो आवाज आपके लिए घातक है जी। ठीक है। ज्यादातर आपको ये तकलीफ होती होगी, 12 महीना और 24 घंटा रहती है, तो आप इसको बंद करके तो देखो जी सर। ठीक है जी जी। बाहर से कोई पक्षी की आवाज ना आए जी, एग्जास्ट हटा दो जी, आप सुखी हो जाओगे। और एक यंत्र भी दिया जाएगा, उस यंत्र को धारण कर लो, आप सुखी हो जाओगे जी। ठीक है। प्रणाम गुरु जी। सुखी है। एक पर्ची निकालना।